राजधानी पटना का मौसम पिछले कई दिनों से खुशनुमा बना हुआ है। रुक रुक कर हो रही झमाझम बारिश और पूर्वा हवा की ठंडी फुहारों ने शहरवासियों को राहत दी है। मौसम का ये बदलाव शहर की गर्मी से जूझते लोगों के लिए काफी सुखद है, लेकिन इसके बावजूद जिले में अब भी करीब 40% बारिश की कमी बनी हुई है। इस मानसून सीजन में अब तक पटना में भारी बारिश नहीं हुई है और ये कमी खेती और पानी के स्तर के लिए चिंता का कारण बनी हुई है। आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार आज यानी 29 सितंबर को पटना में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं, लेकिन दिन भर बारिश होने की संभावना बेहद कम है। शहर के कुछ इलाकों जैसे बोरिंग रोड, राजेंद्र नगर, कंकड़बाग और दीघा में लोग सुबह से हल्की सेहरन का अनुभव भी कर रहे हैं। पटना के प्रमुख इलाकों में बारिश की स्थिति अभी भी कमजोर बनी हुई है। गांधी मैदान, फ्रेजर रोड और अशोक राजपथ जैसे इलाकों में सुबह के समय हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली, लेकिन कहीं भी मूसलाधार बारिश नहीं होने की संभावना है। लोगों को बारिश का इंतजार है, खासकर पटना के बाहरी हिस्सों जैसे दानापुर, पालीगंज, विक्रम, मोकामा, बाढ़ जैसे इलाकों में जहाँ कृषि के लिए बारिश की अत्यधिक आवश्यकता है। विभाग के अनुसार शाम को 4 बजे के आसपास हल्की धूप निकलने की संभावना है। इससे पटना के लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है, जो शहरवासियों के लिए एक आरामदायक मौसम बनाए रखेगा। हालांकि बारिश न होने से उमस और हल्की गर्मी की स्थिति भी दोपहर तक बनती हुई दिख सकती है। आज दिन भर हवा की गति में थोड़ी कमी आएगी। ये 5 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली है, जिससे मौसम थोड़ा शांत रहेगा। हल्की ठंडी हवाएं शहर के विभिन्न हिस्सों में महसूस की जा सकती है, खासकर गंगा किनारे के इलाकों में जैसे पिरबहोर, मरीन ड्राइव, दीघा और पटना कॉलेज के पास, जहां गंगा की ठंडी हवाओं का असर अधिक होता है। आज पटना में सूर्योदय 5:41 हुआ, जबकि सूर्यास्त शाम के 5:39 पर होने की उम्मीद है। पूरे दिन का मौसम बादलों और हल्की धूप के बीच मिश्रित रहेगा, जिससे शहर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। लोग शाम को हल्की धूप और ठंडी हवा के बीच अपने दैनिक कार्यों को पूरा कर सकते हैं।